दोस्तों मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने स्टेडियम में मैच देखने आएगी पूरी आरसीबी की टीम। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस और आरसीबी टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज आईपीएल 2022 का 69वां मुकाबला खेला जाएगा और ऐसे में यह मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आज का मुकाबला आरसीबी टीम के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगर मुंबई की टीम यह मुकाबला हार जाती है तो आरसीबी की टीम प्लेऑफ में आसानी से जा सकती है, और दिल्ली की टीम अगर यह मुकाबला जीती है तो आरसीबी का पत्ता कट हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का नेट रन रेट आरसीबी के नेट रन रेट से ज्यादा है। और ऐसे में आरसीबी को दुआ करनी होगी कि आज मुंबई इंडियंस की टीम यह मुकाबला जीत जाए। और ऐसे में वहीं दोस्तों इस स्थिति पर विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है और रोहित शर्मा को सपोर्ट में उतरे। वहीं मुंबई और दिल्ली के मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम को सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने इस बात की भी संकेत दिया है कि वह मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद दिखाई दे सकते हैं। विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ मिली जीत के बाद फाफ डुप्लेसिस के साथ बातचीत करते हुए कहा कि दो दिन से अपने पैरों को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं और मुंबई को सपोर्ट कर रहा हूं। मुंबई के लिए हमारे पास दो और समर्थक है, सिर्फ दो ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि 25 और समर्थक है और हम स्टेडियम में भी यह मैच जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।